हेलो फ्रेंड्स, राव्या किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चटनी तो आपने बहुत बार बनाकर खाई होंगी, बहुत सारी चीज़ों की बनाकर खाई होंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ साग की चटनी, तो एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप साग की चटनी खा रही हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बथुआ साग की चटनी बनाने के लिए बथुआ साग को अच्छे से धोकर ले लिया है, और इस चटनी में डालने के लिए मैंने 3 लहसुन की कलियां ली हैं जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, साथ ही 2 हरी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकती हैं, और 1 प्याज लिया है। और साथ ही इस चटनी में डालने के लिए हमें नींबू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लहसुन और मिर्ची को तवे पर अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी लहसुन और मिर्ची अच्छे से पक चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और अब इसी तवे पर हमें बथुआ के साग को भी थोड़ा पका लेना है, यानी थोड़ा कल्हार लेना है। तो ये देखिए बथुआ के साग भी हमारी पक चुकी है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने बथुआ के साग, लहसुन और मिर्ची को अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब इन सबको हमें ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। मिर्ची को ग्राइंडर जार में 2-3 टुकड़ा करके डालें, साथ ही बथुआ के जो साग है उसको भी धनिया की पत्ती की तरह काट कर डालें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने चटनी पीस ली है, और पीसने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें मिला देंगे एक प्याज, जो हमने एक प्याज लिया था उसे बारीक काट कर रख लिया था, उसे ही अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही मिला देंगे 1 चम्मच सरसों तेल। इस चटनी में सरसों तेल ज़रूर से मिलाएं, क्योंकि सरसों तेल से इस चटनी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो मैं इसमें यहाँ आधे नींबू का रस निचोड़ कर डाल रही हूँ। आप अगर कम खट्टा खाना पसंद करते हो तो नींबू का रस थोड़ा कम डालें, यानी आधे का भी आधा करके डालें। नींबू का रस डालने के बाद इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। तो बस ये देखिए बनकर तैयार है हमारे बथुआ साग की बहुत ही टेस्टी चटनी। फ्रेंड, इस चटनी को बनाते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इस चटनी में लहसुन की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, लहसुन से इस चटनी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हो तो ही नींबू का रस डालें, अगर आपको खट्टा खाना पसंद नहीं है तो आप नींबू का रस स्किप कर दें। बिना नींबू का रस डाले भी इस चटनी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस चटनी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, और आपकी चटनी कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।